हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लव य नीलू नीलूफ्ट सो यहाँ पर मैं साड़ी को एक डिफरेंट स्टाइल में पहन के दिखाऊंगी सो so, यहाँ पर सबसे पहले सैंडल पहन लिया ताकि जो साड़ी की लेंथ है वो आपके अकॉर्डिंग आए सो so, स्टार्ट करते हैं साड़ी कैसे पहनी है सो so, यहाँ पर पहले मैंने पेटी कोट जो मैचिंग साड़ी है वो ले लिया है और उससे पहले आपने देख ही लिया कि मैंने ब्लैक स्वेट पहन लिया है एज अ टॉप या ब्लाउज आप कर सकते हैं या कुछ भी इस टाइप का फुल स्लीव का होना विंटर से बचना है तो आप ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने वार्मर भी ले लिया है जो कि मैंने अंडरनीथ ऑफ साड़ी पहन लिया है आप सिंपल साड़ी जैसे पहनते हैं पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे एक जो है मैंने यहाँ पर रैप कर लिया है आते हैं इसके एज पे सो यहाँ पर एक बेसिक सा रैंडमली जैसे प्लीट बनाते हैं ना ये जस्ट आइडिया के लिए ले रही हूँ अभी मैं फिनिश लुक नहीं दे रही हूँ सो ये मैं ले लूँगी एक बार राउंड करूंगी और उसे मैं एक बार लेंथ चेक कर लूंगी कि कितना लेंथ रखना है सो so, एकदम मैं नीचे लेंथ तक रख रही हूँ साड़ी को ताकि मुझे प्लीट्स में और वॉकिंग में प्रॉब्लम ना आए और मैं अच्छे से वॉक भी कर पाऊँ सो so, ये लेंथ आपको थोड़ा रखना है तो इसे मैंने एक बार जनरली ऐसे चेक कर लिया है अब आती है बारी कि आप प्लीट्स बनाने की जो सेंटर प्लीट्स होते हैं सो so, इसे आपको अच्छे से बनाना है पहले मैंने खींच के इसको सेट कर लिया अब मैं इसके प्लीट्स बना रही हूँ जितने भी सिक्स और फाइव जितने भी बन रहे हैं आपके साड़ी के लेंथ के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए और क्योंकि जॉर्जेट सिल्क साड़ी है तो इसमें बहुत ईजीली प्लीट्स बन जाते हैं ज़्यादा स्ट्रगल करने की नीड नहीं होती है और हेल्प की भी नीड नहीं रहती किसी की कि थोड़ी प्लीट्स में जैसे आपको कॉटन या सिल्क साड़ी में नीड होती है सो जॉर्जेट में इजीली बन जाता है सो इसे मैंने सेट कर लिया है और जो भी प्लीट्स बना है ना इसको टक इन कर देनी है विंटर so में मुझे तो ठंड बहुत लगती है और मैंने सोचा कि चलो वेडिंग गेस्ट पे जा रहे हैं तो न्यू ड्रेस नहीं परचेज करना तो किसी साड़ी का हैक किया जाए तो आई थॉट कि चलो ये वाला ट्राई करते हैं और ये साड़ी बाय द वे मेरी एट इयर्स पुरानी है जो कि इस बार काम में आ गया मेरे सो so यहाँ पर प्लीट्स मैंने बना लिया और लेंथ आपको दिख गया है आंचल का कैसे रखना है अब सो so, एंड का जो पल्लू है ना इसे प्लीट बनानी है और यहाँ पर टोटल मैंने ना एकदम पतली पतली सी सिक्स प्लीट्स बनाए हैं तो ये जितना आप पतला रखोगे उसकी जो प्लीट्स हैं वो बहुत अच्छा फिनिश आएगा और अगेन इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके मैं इसको ना एडजस्ट कर रही हूँ ताकि इसकी प्लीट्स मेरे को अच्छा से मिले जो भी मुझे चाहिए अब यहाँ से अच्छे से पकड़ना है और फिर जनरली जैसे हम साड़ी टक इन करते हैं ना साइड में आपको ऐसे ही करना है सो यहाँ पर मैंने रख लिया है और पिन के लिए मैं आपको बताऊंगी ना यहाँ पर जैसे सिक्योर करूंगी मैं सेफ्टी पिन से सो जो नेक्स्ट साइड पे आप थोड़ा सा सिक्योर कीजिएगा सेंटर में करोगे तो आपके प्लीट्स जो है ना वो फोल्ड हो जाएंगे सो मुझे बाद में लगा था तो उसे मैंने बाद में ठीक कर लिया था तो इसे आपको यहाँ पर थोड़ा करना आप पीछे से जो रेस्ट ऑफ साड़ी है ना आप थोड़ा ऊपर की तरफ से उठा के जितनी भी बची हुई साइड है इसे जस्ट आपको अदर साइड आपके अदर शोल्डर में यहाँ पर फोल्ड करके जनरली ये आपको उतना प्लीट्स नहीं बनाना एक साइड आपका ऑलरेडी बना है अदर साइड आपको सिंपल रखना और यहाँ पर सिक्योर कर लेना है सेफ्टी पिन से और अब आगे के जो प्लीट्स हैं ये जो इनर वाला साइड है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो अदर साइड का है उसको भी एक डबल फोल्ड करके प्लीट्स को थोड़ा सा सेट करके मैं भी आपको पीछे जाके दिखाऊंगी तो आपको बोथ साइड का दिख जाएगा सो यहाँ पर साड़ी का लुक ऐसे आएगा ये एक तरफ से आपको ना ड्रेस टाइप के लुक में कन्वर्ट हो जाएगा जो मेन इस पूरे हैक का, का काम करेगा वो है बेल्ट सो so, यहाँ पर पहले मैंने एक बेल्ट ट्राई किया जो कि लगाने के बाद मुझे लगा कि साड़ी के साथ सूट नहीं कर रहा तो फिर मैंने इसको चेंज किया और गोल्डन कलर का बेल्ट जो है ना वो लगाया है सो so, कुछ भी इस टाइप का प्लेन साड़ी आप पिक कर रहे हो ना तो ट्राई कीजिएगा कि ज्वेलरी उस साड़ी के साथ मैच करें जैसे कि इसके साथ मैंने साड़ी के साथ जो है गोल्डन बेल्ट के साथ ज्वेलरी रेड कलर का सेट किया है मतलब मैचअप किया है और ये मेरा एंटायर लुक है सो so, पूरा राउंड में भी दिखा दे रही हूँ लेंथ भी सही आ रही है आंचल को जो पल्लू साइड आप थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं मेरा इतना ही मैंने रखा था ऑल दो ये लुक जो है थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा है साड़ी का भी यूटिलाइज हो गया आप थोड़ा अच्छे भी लगोगे और साथ में कुछ ड्रेस खरीदने का ऑप्शन भी जो है वो आपने साइड रख लिया अब जो क्लच है यहाँ पर दो है एक सिल्वर गोल्डन तो मैंने गोल्डन को ही कैरी किया क्योंकि वो एंटायर लुक के साथ थोड़ा मैच कर रहा था और कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक किए थे वो भी मैं साइड टू साइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो so, वीडियो और हैक आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो और हैक पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इंजॉय कीजिए वेडिंग सीजन है कुछ ऐसा कुछ हैक है तो आप हैक जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा सो so, ठंड ठंड से भी बच सकते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी लग सकते हैं तो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय गाइज़